हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। और आज है हमारा डे 3 इस्तांबुल में, और अभी बज रहे हैं रात के ऑलमोस्ट 9, शाम के 9, रात के 9, ठीक है, सालिया की शाम के 9। और हम लोग वापस आए थे तकरीबन 6 बजे प्रिंसेस आइलैंड से, इससे पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। और बहुत ज़्यादा थक गए थे, आके हम नहाए धोए रेस्ट किया। और क्या धोया? तो अभी हम जा रहे हैं अगेन तकसीम। तकसीम में ही होटल है, हम तकसीम में ही होते हैं। तकसीम जा रहे हैं, इस्तकलाल जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, और मम्मा के केले हमने लेने हैं। यहाँ पे बहुत एक हमें सस्ती शॉप मिल गई थी जहाँ से हम पानी भी लेते हैं और फ्रूट फ्रूट भी लेते हैं, तो वहाँ जाएंगे फिर घूमने फिरेंगे। एंड आई विल कीप अपडेटिंग यू गाइस। जा रहे हैं केले लेने, आज करेंसी भी करानी है थोड़ी सी दोबारा से एक्सचेंज, इधर ही साथ ही शॉप है वहाँ से करवाएंगे। और यहाँ पे सबसे मेन मसला है कि इनको इंग्लिश नहीं आती है, तो करके उनसे बात करते रहे। हमें जहन में आया कि नहीं, अच्छा इनको हम पिक्चर दिखाते हैं हर एक चीज़ की कि हमें ये चाहिए ये चाहिए, और इनका ना लेफ़्ट राइट भी थोड़ा हमारी समझ से बाहर है, तो इंग्लिश नहीं आती है इनको, आप इनकी इंग्लिश पे यकीन भी ना करें। तो ये सीन है, लंबी लाइन आज पता नहीं क्या सीन है ट्रेकिंग में, बहुत ट्रैफिक है, बहुत एक्स्ट्रा ट्रैफिक है आज हर जगह। हम लोग जब प्रिंसेस आइलैंड से वापस आए थे तब भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, हमें बहुत टाइम लग गया था, लिटरली 5। गाइस ये शॉप है, गुड प्राइस, अच्छी प्राइस होती है, इनको इंग्लिश नहीं आती है लेकिन इनकी प्राइस अच्छी है। क्लोज, हम लोग अभी एंटर ही हुए थे तो उसने बोल दिया कि क्लोज हो गई है, उधर ही जाना है, हमने उसको कह देते हैं। गाइस ये है तकसीम स्क्वायर, और इस तरफ से राइट साइड पे जाएंगे तो आ जाएगा इस्तकलाल स्ट्रीट। और आई थिंक ये वाली भी इस्तकलाल स्ट्रीट है, वो मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन ये मुझे कंफर्म है कि इस्तकलाल स्ट्रीट है। और यहाँ पे जब बंदा रात को आता है ना, दिल ही नहीं करता है वापस जाने का, दिल करता है बंदा यहीं फिरता रहे, यहीं फिरता रहे, यहीं फिरता रहे, शॉपिंग करता रहे, करता रहे, करता रहे, वापस जाने का यहाँ से दिल नहीं करता। तो बस आज मेरे जो साथ उनका तो कोई दिल नहीं था आज आने का, लेकिन बस मैं किसी तरह से खींच तान कर उनको ले आई हूँ। बट लेट्स सी, एक दो काम भी है यहाँ पे वो करने, और चलो जी आके ही हमारी क्लास से मेरे कैंसिल। गाइस अभी हम ये मीट पैराडाइज हैं, इस्तकलाल स्ट्रीट के अंदर एक छोटी सी सड़क आती है वहाँ पे आइए। और ये डिनर है? नहीं, डिनर अभी हम पहले टेस्ट करेंगे, उसके बाद अगर पसंद आएगा तो फिर खाएंगे। और इसके अंदर कुछ है मम्मा अभी टेस्ट करो, प्राइस भी पूछ। यस मम्मा ये नो, शो मी द प्लेट। ओह माय गॉड, थैंक्स, पास, थैंक यू। शॉप ये पता तुम्हें क्या है? ये शीशे के कोयले रख के इसमें पकाते हैं, कोयले रख के ना क्यूब से बने होते हैं, लगता है ये यहाँ पड़े हुए तो चीनी लगती है। ये फ्लेवर्ड है वो, अच्छा ये लोग हंटर बी टाइप कुछ ले रहे थे, दम बुक टाइप, वो हमने नहीं लिया, मज़ा नहीं आ रहा। फिर हम लोग इस जगह पे आ गए हैं और हमने चिकन ऑर्डर किया।
गाइस वो कोई बहुत ही छोटा सा कैफे था और 5 मिनट बाद आके उसने बताया कि चिकन ख़त्म हो गया, तो अब हमें वो कहीं और लेके जा रहे हैं। जब हम अंदर और गलियों में आते हैं इस शॉप पे और यहाँ पे हमें नज़र आया है, ऑर्डर हमने वैसे किया है, ये देखें आपको बहुत फिट ये ऑर्डर किया है हमने 135 लीरा का, ये आराम से 2 लोग खा सकते हैं, ये होता बहुत मज़े का है, हम काफ़ी दिनों से वैसे ही खा रहे हैं। और द बेस्ट पार्ट एंड द बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू इज़ कि अंदर अंदर गलियों में जाके होटल्स ढूंढें, बहुत आपको इकोनॉमिकल मिल जाएगा। मेन मेन पे खाएंगे तो फिर तो आप ये लस्सी यार ये अच्छा लग रहा है गाइस, हमने ये लिया है पानी है वो धनिया है नहीं मिंट है, मतलब वो कीड़ा नहीं है मिंट है, नो प्रॉब्लम गाइस। ये तो बहुत ही फिट सीन हो गया हमारा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम है, रात के टाइम तो हल्की हल्की ठंड भी लगती है, सो अच्छा मौसम है यहाँ का, जरूर आए। ये ना मैं आपको बताती हूँ ये होटल अच्छा है, अभी टेस्ट करके भी आपको बताएंगे। एड्रेस इसका है, आप इससे क्लास स्ट्रीट पे आएंगे ना तो जिस साइड पे एडिडास है, पहले यूएस पोलो आएगा, फिर एडिडास आएगा, एलसी की आएगा, उसी के साथ आप जाना है, और फिर जो फर्स्ट गली अंदर की तरफ टर्न करेगी ना आपके उसी हाथ पे लेगी, उसी साइड पे अंदर टर्न कर जाना आपको, फिर आगे आएगा मीट हाउस और उसके आगे आपने इस तरफ आ जाना है लेफ्ट साइड पर, पतली पतली गलियाँ लेफ्ट साइड पर आएंगे तो ये सामने है, और ये अभी हम खाएँगे वो ये हमारी लस्सी आ गई। Wow. इसको नाम नहीं आता था लस्सी का लेकिन हमने खुद ही गेस किया कि ये लस्सी है। यू हैव वाटर गाइस, ये है प्लेटर नान रोटी सीख कबाब कितनी सारी टिक्के हैं और आहा मजा ही आ गया। उसे पता क्या किया था लड़के ने, बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा कमाल गाइस, ये होता भी चीज़ का सवाइयों का जायका होगा, मुनाफा आ गया है शीरे में मुझे लग रहा है, पहली दफ़ा खाना मैंने, ट्राई करते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। गाइस हमने खाना शाना खा लिया और इस टाइम इतना अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी हवा जैसे रात को मरी और अच्छा मेरे वाला मौसम नहीं होता वो लिटरली जैसे हल्की हल्की ठंड लग रही होती है, अब जैसे मैंने टी शर्ट पहनी हुई है बट आई फील कोल्ड, आई फील लाइक के कुछ होना चाहिए ऊपर जैकेट अपर टाइप कुछ, लेकिन हम तो सर्दियों के कपड़े नहीं लेके आए हैं, हम सिर्फ गर्मियों के कपड़े लेकर आए हैं, और बाकी खाना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, और आप वापस होटल जा रहे हैं, रास्ते में अलशूरी अराउंड, और खाना बहुत अच्छा था, बहुत इकोनॉमिकल था हमारा डेली बना 430 लीरा मतलब 4000 1000 पर हेड बन गया, नॉट बैड।